आ चुके हैं हम दोबारा से मुर्गी बनके। तो गाइस आज की वीडियो में हम दोबारा से मुर्गी बनके खेलने वाले हैं एक वन ब्लॉक को। और ये भाई देख सकते हो हमारी दो दो चिक्की पिक्की। जो गाइस पिछली वीडियो नहीं देखी वो जाकर देख लेना। पिछली बड़ी वीडियो में हमने वन ब्लॉक को स्टार्ट किया था तो यही बनाया था, बस ये वाला हिस्सा बनाया है। और मुर्गी बनके सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही हार्ट है भाई। अगर किसी ने दो फटके मारे तो मैं लिटरली मर जाऊंगा। पर कोई बात नहीं, हम इस चैलेंज को कंप्लीट करेंगे और आगे बढ़ते हैं, इस वन ब्लॉक को कंटिन्यू करते हैं। इस बार मैंने माइनक्राफ्ट के थोड़े शेडर भी चेंज कर दिया और यहाँ पर रात होने वाली है भाई। मुझे जल्दी जल्दी आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि आगे बढ़ना पड़ेगा भाई। मेरे पास पानी भी आ चुका है भाई, मैं खेती बाड़ी भी कर सकता हूँ और थोड़ा सा ना आगे बढ़ाते हैं यार। पर रात हो चुकी है भाई, लिटरली क्या करेंगे। सुबह भी हो चुकी है और यहाँ पर मैंने इतना तो काम नहीं किया कि मैंने स्लैब बना लिया थोड़ी बहुत। और मेरा मानना है कि थोड़ा सा ना इसे बड़ा कर लेते हैं क्योंकि बड़ा करना जरूरी है भाई। और ये है हमारा मेन ब्लॉक, इसके आसपास हम ये लगा देते हैं थोड़े से। ओ भाई डायमंड आ गया, व्हाट इज दिस यार, डायमंड कैसे आ सकता है भाई। मेरे पास तो आयरन की पिकेक्स भी नहीं है यार, ये क्या है भाई। अब डायमंड आ चुका है, मेरे पास आयरन ही नहीं है के लिए। मुझे आयरन चाहिए था भाई, लिटरली अब नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पर ना मैंने इसे मतलब पता करने के लिए भाई यहाँ पर एक सफेद बोर्ड लगा दिया क्योंकि ऐसे पता ही नहीं चल रहा था भाई कौन सा वो वाला है। पर अब डायमंड को भाई ऐसे ही तोड़ना पड़ेगा, क्या कर सकते यार भाई। लिटरली पहला डायमंड बेकार जाता हुआ, कुछ नहीं मिला भाई पहले डायमंड से। पर हमें मिल चुका यार पहला कोबलस्टोन। ये कोई और ज्यादा पत्थर है, पता नहीं कौन कौन से पत्थर आ रहे हैं, मैं लेता जाऊंगा। और यहाँ पर आ चुकी हमारी वन एंड ओनली काओ, जाओ अंदर जाओ, वेरी नाइस भाई। ये मैंने इसीलिए लगाया अंदर जाने के लिए इनको। ओ भाई लिटरली कोल मिलने लग चुका है और कोल से भाई अगर टॉर्च बना लेंगे तो भाई मॉब स्पॉन नहीं होते। तो अगर मॉब स्पॉन नहीं होंगे तो भाई हमारे लिए बढ़िया रहेगा इसे और ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव करने के लिए। बढ़ा दिया क्योंकि अब मॉब स्पॉन नहीं हो सकते क्योंकि मेरे पास आ चुका है टॉर्च, लेट्स गो। ये तो यार यहाँ पर उगाई जा सकती है क्योंकि मेरे पास है भाई बोन मील से मैं वुड को उगा सकता हूँ, लेट्स गो। ये देखिए भाई मजेदार एक पेड़ आ चुका है, हरा भरा मस्त भरा मतलब पेड़ आ चुका है। इसे काटते हैं और वुड लेते हैं भाई इसे। लेट्स गो गाइस, मैंने स्टोन की पिकेक्स बना लिया जैसे तैसे करके। अब आ रही है मुझे यहाँ से अपना पहला लोहा लेने की, लेट्स गो। तुम्हारे भाई ने ले लिया है लोहा माइनक्राफ्ट से। और गाइस अब आ रही है आगे बहुत सारी चीजें आ रही है, वो सारी की सारी ले लेते हैं ऐसे ही फ्री में मिल रही है तो। ओ भाई डायमंड, भाई मेरे पास आयरन की पिकेक्स नहीं है यार, रुको एक सेकेंड, मेरे पास एक ही आयरन है यार पागलपन से। डायमंड आ रहे हैं पर उसका कोई फायदा ही नहीं हो रहा क्या भाई। लिटरली दिन से रात हो चुकी है और अभी इनके डायमंड आने बंद नहीं हो रहे, पर मेरे पास तो पिकिंग्स ही नहीं है। लिटरली अब हो सकता है जो मैं चाहता था। तो गाइस तुम्हारा भाई बना रहा है यहाँ से आयरन, भाई लिटरली तुम्हारा भाई आयरन बनाने लग चुका है, लेट्स गो। तुम्हारे भाई ने बना लिया है, अब बारी हमें अपना पहला डायमंड माइन करने की। और ये रहा हमारा, अरे पकड़ के पे तो आजा, ये देख सकते हैं हमारे हाथ में अपना पहला डायमंड भाई लिटरली। तो गाइस लिटरली हमारे पास डायमंड भी आ चुके हैं, उनको रखने के लिए अगर मैं मर गया तो भाई वो सारे के सारे चले जाएंगे यहाँ से, इसलिए उनको रखने के लिए मैं यहाँ पर एक और नई मतलब जगह बनाने वाला हूँ जहाँ पर हम अपना सारा खजाना मतलब रखेंगे। तो फाइनली गाइस मैंने थोड़ी सी सीढ़ियाँ बना के इसको नीचे के लिए बढ़ा दिया है और यहाँ पर मैंने ना पेड़ लगा दिया और इस पेड़ को अब बड़ा कर देते हैं क्योंकि यहाँ से डेकोरेशन सा होना जाना चाहिए। देख सकते हैं भाई एक पेड़ तो उग चुका है, अब हमारा दूसरा पेड़ भी उग जाएगा यहाँ से मजे से। अरे भाई उग जा, लेट्स गो। तो देख सकते हैं भाई यहाँ से एंट्री सी हो चुकी है, मतलब एंट्री गेट जैसे कह सकते हो, यहाँ से हम एंट्री करेंगे ऐसे भाई लिटरली। ये देखो पूरा मज़ेदार लग रहा है। तो फाइनली गाइस मैंने ना थोड़ा बहुत और आगे इसे बढ़ा दिया और देख सकते हैं भाई इस आसपास मैंने ना चेस्टे लगा दिया क्योंकि जो भी मेरा सामान यहाँ से इकट्ठा होगा मैं यहाँ पर रास्ते पे जाकर यहाँ पर पूरा का पूरा सामान यहाँ पर रख दूंगा और लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे क्योंकि मेरा सामान गिर भी जाए मैं मर भी जाऊँ तो मेरा सामान यहाँ पर बचा पड़ा रहेगा भाई। लिटरली ये तो सोने पे सवा गया है भाई, उसको पता ही नहीं चल रहा कि मैं मुर्गी हूँ, मतलब मैं मुर्गी बना हुआ हूँ। ये देखो हेलो पीछे से आ रहा है, हेलो ओए, ये कह रहा है कि भाई ये बंदा वन ब्लॉक खेल कौन रहा है, हेलो मैं ही हूँ चचे फट दो भाई। पहली बार मुझे ऐसा क्रीपर के सामने खेलता हुआ मजा आ रहा है भाई लिटरली। मैं इतना ज़्यादा डर गया था ना कि पता नहीं क्या होगा मेरा, तो मैं तो मर ही जाऊँगा एक बार में फटने से ही, पर लिटरली ये फटा ही नहीं, मतलब मुर्गी की पावर समझ रहे हो तुम लोग भाई। ये क्या है, ये देखो क्रीपर, हेलो क्रीपर भाई मजा यार, ये खतरनाक था। और ये देखो भाई आज से हमने क्रीपर भी पाल लिया गाइस, आज से हम मॉब भी पाला करेंगे, ऐसे वैसे थोड़ी बंदे हम। ओ भाई लिटरली मैंने आयरन की पिकिक्स फेंक दी क्या, नहीं 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 भाई यहाँ पर रखी थी, पागल भाई डर गया था मैं तो। वैसे इसे और कंटिन्यू कर लेते हैं भाई। ओए भाई क्रीपर आ चुका है, व्हाट द हेल, ये फटा क्यों नहीं, अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार, क्या ये मुर्गी के सामने नहीं फटता। ओ भाई ये कितनी बड़ी बात हो चुकी है कि मतलब मैं मुर्गी से आ रहा है, हेलो ओए, ये कह रहा है कि भाई ये बंदा वन ब्लॉक खेल कौन रहा है, हेलो मैं ही हूँ, लेट्स गो। डायमंड ही डायमंड होंगे, मेरे पास दो डायमंड हो चुके हैं,
ऐसे करके भाई देखना तुम्हारा भाई ऐश करवा देगा तुम लोगों को। लेट्स गो, एक और चेस्ट आ चुकी है, मजेदार चेस्ट वैसे आ चुकी है। लेट्स गो, आलू मिल रहे हैं, लेट्स गो, आलू खाएगा। एक और भाई, ये तो वही सेम वाली चेस्ट दे दी दोबारा से। तुम्हें क्या भाई, फ्री का माल मिल रहा तो लेते रहते हो भाई। मैं डर क्यों जाता हूँ इसे देखकर भाई, ऐसा नेचर बन गया ना कि अब डर के रहना इससे। तो भाई वही है भाई, दो क्रीपर पाल लिया भाई। क्रीपर क्रीपर की वो करवा के देखे ब्रीडिंग, क्या पता छोटा क्रीपर पैदा हो भी सकता है यार। फिर कमेंट बॉक्स बताना कि क्या पता ऐसा छोटा क्रीपर पैदा होता है कभी। तो आज किस वाली वीडियो में हमारे पास आ चुका है दो दो डायमंड, और साथ ही में साथ हीरे लावा सब कुछ आ चुका है, और साथ ही में साथ हमने दो क्रीपर पाल लिए जो पीछे आपको दिख रहे होंगे। आए क्रीपरो, खाना खाओगे भाई? लिटरली ये मज़ेदार चीज़ मैंने सोची नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा मेरे साथ इस वन ब्लॉक में। पता नहीं आगे क्या क्या मज़ेदार चीज़ें होने वाली है। तो उसे देखने के लिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।